नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस मुश्किल समय में आप सभी सुरक्षित हैं, मैं यही आशा रखती हूँ। और ऐसा लगता है कि इस समय में सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन जो हमारी पढ़ाने की प्रक्रिया है और आपके पढ़ने की प्रक्रिया है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। और इस मुश्किल वक्त में हमारा एक सबसे अच्छा सहपाठी, सबसे अच्छा मित्र और सबसे अच्छा दोस्त हमारा पुस्तक ही है, इसलिए आप उसके साथ जितनी मित्रता निभाएंगे वो भी आपके साथ उतनी ही मित्रता निभाएंगे। इसलिए इस कठिन वक्त में हमें पढ़ने की प्रक्रिया को नहीं रोकनी चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए अभी के वक्त में हमारा स्कूल वर्डवान मॉडल स्कूल ने यह निर्णय लिया है कि हम ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपका पठन पाठन की प्रक्रिया को जारी रख सके। इसलिए आइए आज हम अपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज कक्षा चौथी की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम चार का पहला पाठ मन के बोले भाले बादल पढ़ने जा रहे हैं और इसके कवि हैं कल्पना सिंह। हमारी कविता मन के बोले बादल, कविता में कवि ने बादल के क्रियाकलापों और वो उसके आकार के बारे में बताया है। और जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि बादल, बादल बोलने से ही हमारे मन में मनोचित्र उपस्थित हो जाती है। जैसे बादल बोलने से ही हमें लगता है शायद वो काले काले बादल, फिर से वो सफेद बादल, और वो काले बादल जो बहुत सारी बारिश लेके आते हैं और वो बहुत आकार, मतलब उसके एक आकार नहीं बहुत सारे आकार के होते हैं। उसे ही मैंने पिछली कक्षा में आपको समझाया था और कुछ पंक्तियों के सारांश और अर्थ को भी समझा। इसलिए आज हम लोग थोड़े आगे बढ़ जाते हैं और उसकी बाद वाली पंक्ति, जैसे कि मैंने लास्ट वाली पंक्ति आपको समझाया था शेरों से मतवाले बादल, अब हम इसके बाद वाली पंक्ति को समझेंगे। इसलिए आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक को निकालिए और आपका पहला कविता है मन के भोले भाले बादल, कवि है कल्पना सिंह। और देखिए इसकी बाद वाली पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहा है। कविता की पंक्तियों को पहले हम सोचकर वाचन कर लेते हैं, उसके बाद मैं कविता की पंक्तियों को समझाती हूँ। तो देखिए कविता की अगली पंक्ति क्या है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ बादल तूफानी लगते हैं, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो शैतानी करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे वो भी शैतानी करते हैं, उसी प्रकार बादल भी शैतानी करते हैं, शरारत करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ ऐसे बादल होते हैं जो थैलों का अर्थ यहाँ क्या है, उसके पास बहुत बड़ा सा एक बैग है, उसमें वो क्या करता है पानी को छुपा के रखता है और वक्त आने पर समय आने पर झर 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 बरसाते पानी और फिर उसी थैलों के माध्यम से वो पानी को बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी,
बादल किसी की भी कभी नहीं सुनते, ढोलक ढोल बजाते बादल। जैसे कि आपको पता है कि बारिश होने से पहले क्या करते हैं बादल, आसमान में गरजते हैं, उसी को यहाँ कहा गया है ढोलक ढोल बजाते बादल। बरसात होने से पहले क्या करते हैं बादल, आवाज करते हैं, रह रह कर छत पर आ जाते हैं। छत पर जब हम आते हैं तो बादल दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं कभी कभी हमारे छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या ऐसा लगता है हमें कि बादल छा गए, अब तो बारिश होने वाली है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बारिश नहीं होता और बादल वापस चले जाते हैं। इसका मतलब फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं, मतलब वो कभी कभी बिना बारिश के किए ही गायब हो जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके, और क्या करते हैं कभी कभी बादल, जिद्दी बन जाते हैं, वो जिद पर आ जाए तो क्या करेंगे, बाढ़ नदी नालों में लाते, मतलब जो हमारे नदी नाले हैं इतनी बारिश कर देते, वो इतने जिद पर आ जाते, इतनी बारिश करते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, इतने करने के बाद भी हमें बादल कैसे लगते हैं, बहुत ही भले, बहुत ही अच्छे, मन के भोले भाले बादल। क्योंकि बादल मन के भोले भाले होते हैं इसलिए वो हमें अच्छे लगते हैं।